बढ़ते आगे, कैथल में कांग्रेस कार्यकर्ता मीटिंग में बोलते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जींद उपचुनाव में जींद की जनता ने पूरी तरह से उनका साथ दिया और 36 बिरादरी की वोट उन्हें मिली। अगले 6 महीने में हरियाणा के चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इन चुनाव में आएगी। सुरजेवाला ने कहा कि जिस खट्टर को इतना अहंकार हो गया है कि उन्हें हेलीकॉप्टर से हरियाणा की जनता को देखना पड़ता है, उनका इस अहंकार को अर्श से फर्श पर गिराने का काम कांग्रेस करेगी। जिस तरह चौटाला ने भी अहंकार आ गया था और उसको अर्श से फर्श पर कांग्रेस ही लेकर आई थी, उसी तरह खट्टर का भी यही हाल होगा। वहीं इस चुनाव में उनके साथ हुए भीतरघात को लेकर कहा कि इसकी समीक्षा पार्टी करेगी। खट्टर साहब ने और ओम प्रकाश चौटाला के परिवार ने मिलकर वहां एक जातीय विभाजन की बिसात जो बिछाई थी वो थोड़े समय के लिए अवश्य कामयाब हुई, पर मुझे ये विश्वास है कि जींद के 24,000 लोगों ने विकास और प्रगति की, कैथल के मॉडल की एक नई चमक देखी और मुझे ये विश्वास है कि आगे आने वाले समय में वो 23 से बढ़कर 46,000 और 46,000 से बढ़कर 1,00,000 हो जाएगी। खट्टर सरकार जिसका अहंकार अब चरम सीमा पर है, खट्टर साहब जो इतने अहंकारी हो चुके हैं कि उनको इंसान नजर नहीं आते, उनको हेलीकॉप्टर से ही अब हरियाणा की सरजमी देखने की आदत पड़ गई है। और मैं ये कह सकता हूं, जब चौटाला जी को भी अहंकार हुआ था तो हमने उन्हें अर्श से फर्श पर लेकर आए थे जनता की कृपा से। एक बार फिर खट्टर साहब को अर्श से फर्श, कैथल की कपिस्थल की धरती से लाने की शुरुआत की जंग हम दोबारा शुरू करेंगे। ये बजट इस सरकार का एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप है। 17 रुपया प्रतिदिन प्रति किसान परिवार को आप देकर आप ये कहते हैं कि आपने किसान का बहुत भला कर दिया, और अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो ये राशि 3 रुपया 30 पैसे प्रतिदिन होती है। 3 रुपया 30 पैसे में तो आधा कप चाय भी नहीं मिल सकता, तो किसान परिवारों का भला कैसे होगा? चुनाव में किसकी क्या भूमिका रही, इसका विश्लेषण पार्टी को करना चाहिए और वो करेंगे, मुझे उम्मीद है। मैं एक बात जानता हूँ, जो कांग्रेस के पेड़ को काटते हैं वो कभी दोबारा सत्तासीन नहीं हो पाते। 1993 से आज तक ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। अब ये उनको अंतर्मंथन करना होगा, जो कांग्रेस पार्टी जो माँ के समान है, जो अपनी माँ से बेईमानी कर रहे थे। देखिए, बहुत सारी बातें वहां हुई, बहुत सारी मशीनों के सील टूटे मिले, बहुत सारी मशीनों के नंबर ही मैच नहीं हुए, उन सब के बारे में हमने दरखास्त दी, पर चुनाव का परिणाम आ गया है। अगले 6 महीने के अंदर अगला चुनाव आएगा। यहाँ से विधायक थे इसलिए